धोखे ते कोई पारा कुआ दे शराब की तगड़ी लत लाग जाए, अपने छोरे ते शराब दे दिया जावे, और बस 42 साल की उम्र में झंडे गाड़ के इस दुनिया ते अलविदा कह दिया जावे, या कोई फिल्म की कहानी नहीं से। राम राम दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद की। आप लोगों के बहुत कमेंट आए, लक्ष्मीचंद पे वीडियो बना, लक्ष्मीचंद पे वीडियो बना, तो मैंने भी सोचा कुछ अलग दिया जाओगा। जन्म मरण गांव की डिटेल तो दादा के बारे में गूगल पर भरी पड़ी से, तो जया आप वीडियो आखिरी तक देखोगे तो दादा के जिंदगी के किस्सा की एक फिल्म सी आपके सामने चलेगी। कौन थे दादा लक्ष्मी असली में? गंधर्वा के अवतार, एक शराबी, या फिर आज तक के सबसे ठाड़े सबसे बड़े हरियाणवी कवि? चाहे कोई भी हो, उस टाइम पे एक शाम के 300 रुपये, 3 शेर घी और खांड लेने वाले दादा लक्ष्मी चंद बेशक 1945 में इस संसार ने त्याग के चले गए हो, पर आज भी उनके नाम ते उनके काम ते गणे घरा के चूल्हे में आग जल रही है। पहला किस्सा दोस्तों, दादा लक्ष्मीचंद जब भी सांग में जरूरत पड़ा करती तो घाघरी और साड़ी पहन के नचा करते। देखने वाले नु बतावा, इतनी फुर्ती थी उनके पैरों में, इतने जबरदस्त तरीके से अपने पांव चलाया करते ढोल की थाप पे, कि जो शामी बैठे देखने वाले होया करते मैन्यू नहीं बता सकते। या आवाज ढोल में तो आ रही है, अगर दादा के पैरों में तो तालमेल इतना जबरदस्त होया करता। आगे नुकवे कि दादा लक्ष्मीचंद ने काम चलाऊ काम तो सख्त नफरत थी, वह हर एक काम ने कति परफेक्ट तरीके से करा कर दे। या तो थी उनके नाचन की बात, इब जिक्रा करे वह गाया किसा कर दे। लगभग 5 फुट 7 इंच के दादा लक्ष्मीचंद एक बार जब स्टेज पर चढ़ जा कर दे सांग करने तई, तो जब तक सांग पूरा नहीं हो जा करता ना तो बैठा कर दे और ना नीचे उतरा कर दे। अपनी भी साइड रगनी गाया कर दे, अपने चेल्या की भी गुआया कर दे। एक किस्सा है सोनीपत के पिनाना गांव में सेठ ताराचंद का दादा लक्ष्मीचंद ने सांग करना था। यो सांग दुपहरी के 12 बजे शुरू होया, दुपहरी ते सांझ हुई, सांझ तो हुई रात, रात तो होगी अगली तड़की, और तड़की भी बज के दिन के 12, पूरे 24 घंटे पाछे दादा लक्ष्मीचंद पूरे सांग की जय बोल के ही स्टेज ते नीचे उतरे। इन 24 घंटे में दादा ना तो बैठे करना स्टेज पर नीचे एक बार भी आए। बात आगे बढ़ावे तो आपा सब ने पता दादा लक्ष्मीचंद कति अनपढ़ थे, एक भी सांग उनने अपना लिखा नहीं, वह मन मन में सांग बनाया करते और सब कुछ उनका कंठस्थ हो जाया करता, और वह चीज फिर मैं स्टेज पर आकर सुना दिया करते। हालांकि बाद से मैं उन्हें 2 पंडित 200 रुपए महीना उस टाइम पे रखे थे, जो उन्हें वेद पुराण गीता महाभारत रामायण का ज्ञान दिया कर दे, और दादा दारू भी पिया कर दे, तो दारू पी के दादा लौट जा कर दे पंडिता के शामी, और वह पंडित उन्हें ज्ञान देन दे रन दे। जब ज्ञान पूरा हो जंदा तो वह कंदे लक्ष्मीचंद सो तो नहीं गया था? बोलते ना पंडित जी, यू आरफ मेरा समझ में नहीं आया, बाकी चाहे कुछ भी पूछ लो सब मेरा याद है। दोस्तों इस तरीके की याददाश्त थी अपने दादा पंडित लक्ष्मी चंद जी की। इब यू दारू वाला मुद्दा उठ गया तो चलो इसे बात में आगे बढ़ावे। पंडित लक्ष्मी चंद जी ने पहली बार दारू जाट रेजिमेंट में पी थी, उड़े कोई उनका जानकार था और दादा के निमोनिया हो रहा था, तो एक दवाई के तौर पर दादा लक्ष्मी चंद को पहली बार दारू पिलाएगी, जिससे उनका राम भी लग गया था। फिर बाद में किसी ने धोखे तय उन तय पारा पिला दिया, और आप सब ने पता पारा तो फूट फूट के लिकटा कर आदमी की जान ले ले, तो किसी ने उन तय इस पारे का इलाज दारू बता दी। हालांकि उन्हें कहा भी कि रे यार दारू तो जहर हुआ है, तो अगले ने बोलिया रे लक्ष्मी जहर ने जहर मारे तू पी इसने। जब दादा ने दारू पीनी शुरू करी, इसके पाछे दारू और पारे ने दादा के गले पर बहुत असर करा था, उनकी आवाज भी खराब होने लगी थी। तो दादा एक कुएं में जोड़ा घेर के नीचे खटोला लेकर जान दे, और उस खटोले पे खड़े होकर गा गा के अपनी आवाज चेक कर दे कि कितनी ठीक होगी और कितनी खराब रह रही है। हालांकि बाद में दादा ने गा गा के रियाज कर करके अपनी आवाज ठीक कर ली थी। दोस्तों आपने जो वीडियो याडे तक पसंद आई है, तो इसी अपने चैनल पर एक और वीडियो है हरियाणा के टॉप गानिए बजानिए संगी, इसका नीचे मैंने लिंक दे दिया है, इस वीडियो पर अच्छा जी कर दो या भी देख लियो। इब इस अगले किस्से में देखियो कि दादा की गायकी पर शराब भी कुछ असर नहीं डाल पाई। जज्जर जिले के असोदा गांव में सांग होना था दादा लक्ष्मीचंद का, और सांग था पहले दादा ने इतनी शराब पी ली कि खड़ा भी नहीं हुआ जावा था। उसे असोदा गांव का एक बद्दू पहलवान था,
उसने दादा को कंधे बैठाया और स्टेज पर ले जाकर खड़ा कर दिया। बद्दू पहलवान था दादा बोले कि रे बद्दू मने कुछ सहारा दे दे जिस तरह मैं खड़ा रहूं। पेड़ के नीचे सांग हो रहा था, बद्दू ने अपना खिंडका खोलिया, एक सिरा टाने ऊपर बांध दिया और एक पकड़ा दिया दादा के हाथ में और नीचे उतर गया। दादा लक्ष्मी चंद ने वो सिरा पकड़े पकड़े इस खिंडके का ना सिर्फ पूरा सांग सही सही गा दिया बल्कि ना जुबान लड़खड़ाई और ना शरीर लड़खड़ाया दादा लक्ष्मी चंद का। पर इनकी आवाज क्यों नहीं लड़खड़ाया करती दारू पिए पाछा भी? लोग नु कहे एक बार स्टेज पर पैर धर दे, इनकी जीभ पर सरस्वती माता विराजमान पूजा कर दी। और इस बात के सबूत अपने इस अगले किस्से में मिलेंगे। वाणी के मंडाना गांव में एक बहुत पहुंचे साधु रहा करते, जो लोगों ने ज्ञान दे दिया, सवाल पूछा करते कि भाई इसका मतलब बताओ उसका मतलब बताओ। तो एक बार मंडाना के किसी गुआंड में लक्ष्मी चंद का सांग होने वाला था, तो लोग बोले जी एक संगी आने वाला लक्ष्मी चंद, वो आपकी सारी बात का जवाब दे देगा, आप उड़े चलो। बाबा जी एक बात नाट गए कि है संगी ने के बेरा इसी गहरी बात का, पर लोग मना चला कर ले गए। जब बाबा महाराज उड़ा पहुंचे सांग शुरू होने वाला था, तो लक्ष्मी चंद ने अपना सरस्वती का आह्वान करया आकर के, और बाबा जी तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गांव वाले बोले बाबा जी पूछो ना क्या सवाल पूछना है, जब तो आप कह रहे थे कि संगी ने के बेरे ऐसी बात का, ये बाप हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले रहे मैंने तो सरस्वती माता साक्षात बैठ दी हुई इसकी जीप पे देख ली, यू कौन किसी ने आगे जान दे वे, यू जो बात को होगा स्टेज पर चढ़ के वाकत सही होगी। और स्टेज पर दादा लक्ष्मी चंद के मुंह से जो लिखड़ी वह पार गई, इस बात का सबूत है कि उन्हें एक बार अपने छोरे को श्राप दे दिया था और वो पूरा भी होया। उनके दो छोरे थे और दादा लक्ष्मी चंद गाया करता अतिथि सेवा दान पुण्य और सब कर्तव्य नेक करें, गऊ ब्राह्मण साधु की सेवा सब कर्मों की देख करें, वेद रीति से सही समय पर पुत्र पैदा एक करें। यानी दादा लक्ष्मी चंद क्या करते कि एक पुत्र पैदा करना चाहिए, पर यारा तो दो हो गए थे। दादा लक्ष्मी चंद का सांग उसे गांव में चल रहा था और ओड़ा उनके गांव जट्टी कला का कोई सांग देखने पहुंच गया। वो दादा था स्टेज पर जाकर बोलिया दादा राम राम, भगवान ने तेरे दूसरा भी छोरा दे दिया। यह सुन दे दादा तो छुट दे बोलिया कि हम भी नहीं रहेंगे और वो भी नहीं रहेगा। और यह कहकर दादा स्टेज पर बैठ गया। दादा लक्ष्मी चंद स्टेज पर नहीं बैठा करता पर उस दिन बैठ गया था। और दादा की स्टेज पर तक कही हुई यह भाषा पार गई। दादा लक्ष्मी चंद की मौत भी 1945 में हो गई थी और छोरा भी जो होया था 2.5 साल को पश्चात वो भी गुजर गया था। अगला किस्सा, दादा लक्ष्मी चंद के ऊपर एक इल्जाम लगता रहा है कि उस टाइम तो देश गुलाम था। दादा लक्ष्मी चंद के किस्से में रागणिया में सांगा में कितने भी देशभक्ति की कोई बात नहीं आंदी। तो उनके समर्थक जवाब देवे कि भाई दादा लक्ष्मी चंद की जो भक्ति की लो थी वो बहुत गहरी थी, तो उन खातर सारी दुनिया एक जैसी थी। और दोस्तों इस बात का समर्थन मैं भी करूं, उस टाइम पर भी बतेरे बड़े बड़े संत हुए जिन नाम पूछे हैं, उनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, पर वैसे समाज तो बहुत कुछ देखे गए, तो अपने दादा लक्ष्मी चंद भी उन्हें में एक थे। चलो दोस्तों आप अपनी वीडियो पर उल्टे आवे, लोग तो भगवान में भी खोट काटते हैं। दादा लक्ष्मी चंद ने एक बार अपने सबसे प्रिय शिष्य पंडित मांगेराम को गाली दी थी, क्योंकि सब बहुत ने सुन रखा। पर क्यों दी थी? दादा लक्ष्मी चंद की बहुत गहरी सोच थी इस गाली के पीछे। उन्हें लगा था कि मांगेराम के अंदर वो जलवा है, वो जज्बा है कि वो अपने अलग नाम कमा सके, अपना अलग सांग बना सके है। पर पंडित मांगेराम जी दादा लक्ष्मी चंद के बनाए हुए सांग ने गंद रहा करते, तो दादा ने गाली देकर फिर यह बात पछे तक कही थी कि तेरे बस का कुछ नहीं, तू मेरे बनाए हुए सांग गा सके, अपने खुद के नहीं बना सकता। तो पंडित मांगेराम का छूट गया और वो उनकी मंडली छोड़कर चले गए और अपनी खुद की मंडली बनाई जो दादा लक्ष्मी चंद चावे थे, और फिर खूब नाम उनने दुनिया में कमाया। कुछ लोग सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी ने गंधर्वों का अवतार भी कहा करते, और इस बाबत मांगेराम जी ने अपने गुरु लक्ष्मी चंद के सम्मान में कुछ लिखा के मृत लोक में आना उसने यो पसंद भी ना था, लोग उन्हें लक्ष्मी चंद कहा करते, अरे वो लक्ष्मी चंद भी ना था। दोस्तों दादा लक्ष्मी चंद को आखिरी बार सांग में सोनीपत जिले के कमासपुर में देखा गया था। हालांकि उस टाइम तक खुद दादा लक्ष्मी चंद तो गाना बजाना छोड़ चुके थे, पर उनके शिष्य चंदन उस गांव में सांग कर रहे थे। तो गांव वाले कहने लगे भाई लक्ष्मी ने लेकर आओ, लक्ष्मी ने लेकर आओ। तो घोड़ी एक लेकर दादा लक्ष्मी चंद ने लेन गए, तो दादा लक्ष्मी चंद नैठ गया कि भाई मैंने तो गाना बजाना छोड़ दिया, मेरी तबीयत से खराब, मैं नहीं आ सकता। पर लोगों की जिद के आगे दादा लक्ष्मी चंद ने आना पड़ा और एक कुर्सी बिछा दी स्टेज पे। दादा लक्ष्मी चंद पूरे सांग में बस बैठे रहे, जब जाकर गांव वाले ने वो पूरा सांग देखा। इसके बाद दादा ने किसी भी सांग में हिस्सा नहीं लिया।
दोस्तों आपने दादा लक्ष्मी चंद के कुछ सुने अनसुने किस्से सुनकर किसा लग गया मैंने कमेंट मारकर जरूर बताइयो। मैं थारा भाई गौरव मान, मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।